हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के संपत्ति को नोबेल प्राइज के रूप में दिया जाता है। और इसको एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1895 में और 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाना शुरू हो गया था। बेसिकली ये नोबेल प्राइज जो है 6 सेक्शन में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। और 5 कैटेगरीज जो होता है वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, और जो एक कैटेगरीज है जो कि पीस नोबेल पीस प्राइज जो होता है ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, जो कि ओस्लो में इसको दिया जाता है। नॉर्वे का कैपिटल हो गया ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। एक इंस्टीट्यूशन को दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया जिसका नाम है आईकैन। आईकैन का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल कंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। मतलब एक ऐसा कंपेन चलाया गया था जो कि न्यूक्लियर वेपन को हटाने की बात करती है। और आईकैन जो है 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी का एक गठबंधन है, यानी पूरा दुनिया भर के जितने भी सिविल सोसाइटी जो कि समाज के बारे में जिनको चिंता है, और वैसे सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर जो आईकैन है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 2007 में हुआ था मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। एक एनजीओ की तरह काम करती है, कहा जाए तो पूरा जो वर्ल्ड के जितने भी एनजीओ हैं जो कि सोशल अफेयर पे काम करते हैं, तो उनका एक गठबंधन टाइप से है। इसमें अभी तक 100 कंट्रीज जो है इसमें साथ दिए हैं और एडवोकेट करते हैं, और इस बात को कहते हैं कि जो न्यूक्लियर जो है उसको बैन, न्यूक्लियर वेपन को बैन किया जाए। और इसको इसलिए इसको नोबेल पीस प्राइज मिला जा रहा है क्योंकि दिया जा रहा है क्योंकि ये जो आईकैन है वो लोगों को ध्यान दिलाया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए, ये मानव के लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इस पर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, और उसके बाद में इसी प्रयास के कारण इसको मिला है नोबेल पीस प्राइज। अब हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2017 के लिए जो मिला है वो मिला है एक जपनीज ऑथर है काजुओ इशिगुरो, इसको मिला है। ये जपनीज बाई बोर्न जपनीज है, लेकिन ये 5 साल की उम्र में ये ब्रिटिश में सेटल कर गया था, तो इसको मिला है काजुओ इशिगुरो को मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2017। इसको दिया गया है स्वीडन के स्वीडन एकेडमी के द्वारा, जो कि स्टॉकहोम में दिया गया था। और इसके उपन्यास के बारे में जो नोबेल जो प्राइज दिया है, नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का दिया, उसका कहना है कि ये अपने उपन्यास में बहुत सारे ऐसे इमोशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे इल्यूजरी सेंस को, जो हमारा जो हम लोग भ्रमित रहते हैं, जो हमारा हमारे अंदर इल्यूजन पैदा करता है, उसको एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो इस वजह से इनको उपन्यासों के लिए दिया गया है इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और 8 किताबें लिख चुकी है इसने। इसी गुरु ने रिमेंस ऑफ द डे एक बहुत ही चर्चित उपन्यास मिला था, लिखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी फेमस हुआ था। और इस पर एक फिल्म भी, हॉलीवुड की फिल्म भी बन चुका है, और फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया गया था। इन्होंने वर्ष 1989 में बुकर एवार्ड से भी नवाजा गया था। अभी जो 2018 के लिए जो नोबेल प्राइज है वो नहीं दिया जाएगा, अभी उसकी घोषणा हो गई है, 4 मई को इसकी घोषणा हो गई थी, 3 या 4 मई को। इसका वजह बताया गया कि जो उसके जूरी मेंबर उसमें से किसी एक पे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगा है, आरोप लगा है। इस वजह से जो नोबेल प्राइज है जो लिटरेचर का, वो 2018 में नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो रिचर्ड थैलर को दिया गया है 2017 के लिए। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देखा जाए तो 1968 में इसको गठन किया गया था, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इसके पहले नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स लिए नहीं दिया जाता था। और नोबेल प्राइज जो स्टार्ट किया गया था वो 1901 से स्टार्ट किया गया था, यानी 1901 से स्टार्ट किया गया था। रिचर्ड थैलर जो कि जिसको अवार्ड मिला है, वो एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स एंड बिहेवियरल साइंस के शिकागो यूनिवर्सिटी में, और इसको दिया गया है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसके कंट्रीब्यूशन का, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में रिचर्ड थैलर के कंट्रीब्यूशन के लिए जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स को इसको दिया गया है। अगर रिचर्ड थैलर की बात करें तो इंडिया में जब डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था तो उस डिमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में रिचर्ड थैलर सामने आया था, और उस डिमोनेटाइजेशन काफ़ी सपोर्ट किया था। अगर इसको हम लोग ट्विटर का एक देखें तो ट्विटर में लिखा था कि दिस इज ए पॉलिसी आई हैव लॉन्ग सपोर्टेड, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कैशलेस एंड गुड स्टार्ट ऑन रिड्यूसिंग करप्शन।
मतलब कि एक ऐसा पॉलिसी जिसको मैं बहुत दिनों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ, और एक पहला ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे कि इकोनॉमी को कैशलेस बनाया जाता है, और एक अच्छा कहा जाता है एक अच्छा करप्शन को हटाने के लिए, रिड्यूस को करप्शन करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट है, अच्छा शुरुआत है। लेकिन उसके जस्ट बाद में एक ट्विटर पर एक मैसेज आ गया कि 2000 का नोट भी इंट्रोड्यूस किया गया। इस पर रिचार्ड थैलर का स्टेटमेंट अचानक से चेंज हो गया और बोला कि रियली डैम ये बहुत ही बुरा है, यानी इससे करप्शन को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह का इस कारण वो चर्चा में काफ़ी था रिचार्ड थैलर, नोबेल प्राइज मिलने से पहले से ही चर्चा में था, क्योंकि इंडिया के डिमोनेटाइजेशन पे इसका कमेंट आया था। अब हम लोग देखें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में इस बार 3 लोगों को मिला है, किप थोन, रेनवेस, बैरी बैरिस। इसमें देखा जाए तो रेनर वेस है उसको मिला है हाफ, और बाकी का जो हाफ बचा है वो दोनों में बांट दिया गया, किप थोन और बैरी बैरिस में। तो इस तरह से फिजिक्स के 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। और जो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स का है वो किस लिए दिया गया है, दिया गया है लिगो डिटेक्टर बनाने के लिए, और ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रेविटेशनल वेव है उसका ऑब्जर्वेटरी के लिए। यानी लिगो डिटेक्टर है क्या, लिगो हो गया लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो ग्रेविटेशनल वेव है, गुरुत्वाकर्षणीय तो तरंगे हैं, उसके लिए जो ऑब्जर्वेटरी किया गया था उसको डिटेक्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला बनाया गया था, उसी के लिए इसको मिला गया, उसी पे रिसर्च करने के लिए मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मिला है, इसमें भी 3 लोगों को मिला है, जोआकिम फ्रैंक, रिचार्ड हेंडरसन, जैकस डुबोचेट। तो इसको मिला है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए किस लिए मिला है, फॉर डेवलपिंग क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर हाई रिसोल्यूशन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिकुल्स इन सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा क्रायो इलेक्ट्रॉनिक, एक ऐसा माइक्रोस्कोपी बनाने के लिए जो कि हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर के हाई रिजोल्यूशन को पता लगाता है, क्या चीज़ को पता लगाता है, जो पता लगाता है बायोमोलिकुल्स के बारे में जो कि सॉल्यूशन में होते हैं, जो कि घोल में होते हैं। मतलब एक ऐसा क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया है जो कि हाई रिसोल्यूशन स्ट्रक्चर को पता लगाता है, जो कि सॉल्यूशन में बायोमोलिकुल्स होते हैं उसका पता लगाता है, उसके स्ट्रक्चर को पता लगाता है। तो इसके लिए मिला है 2017 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो 2017 के लिए जो मेडिसिन के लिए मिला है जो नोबेल प्राइज, वो मिला है माइकल ए रोशबस, माइकल डब्ल्यू यंग एंड जेफरी सी हॉल। तो ये 3 गो को मिला है इस बार मेडिसिन के लिए। किस लिए मिला है कि मोलकुलर मैकेनिज्म जो होता है, यानी किसी भी ऐसे, किसी भी जो हमारा ह्यूमन बॉडी या किसी भी जीव में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे मॉलिकुल्स होते हैं जिसकी वजह से उसका जो है दैनिक जीवन जो कंट्रोल होता है, तो उसके लिए क्या किया कि ये एक जीन को अलग किया, एक जीन को आइसोलेट किया, उस जीन को पता लगाया, और उससे पता लगाया कि वो जीन को स्टडी करने के बाद में कि कैसे जीवन ताल में, कैसे हमारा जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ का जो हर दिन का काम होता है कैसे कंट्रोल करता है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए एक फ्लाई, एक मक्खी को लिया, जो कि वो मक्खी फल का मक्खी था, फ्रूट का मक्खी था, तो उस मक्खी को लिया, उसके अंदर का एक जीन को निकाला और उस जीन को स्टडी किया, जिनको स्टडी करने के बाद लगा कि जिन जो रात में कोशिकाओं में जो जमा प्रोटीन होता है उसको इनकोड किया और उसको विश्लेषण किया। उसके बाद में फिर पता चला कि यही जो जीन है जो कि दिन में अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसी यानी कहा जाए तो एक ऐसा मॉलिक्यूल्स को पता लगाया, एक ऐसा डिस्कवरी किया मॉलिक्यूल्स को जो कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव के जो जीवन, जो दिनचर्या होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी इसका इंग्लिश में कहा जाए तो फॉर डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द सर्कैडियन रिदम। उसके अलावा हम लोग अब देखें तो हमारा नोबेल प्राइज तो खत्म हो गया, लेकिन एक एबेल प्राइज होता है जो कि नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट माना जाता है कि ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, और इसको दिया जाता है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको ओस्लो में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एबेल प्राइज। 2017 के लिए जो एबेल प्राइज मिला था वो मिला था फ्रेंच के मैथमेटिशियन वाई मेयर को, जो कि अपने मैथमेटिक्स के द्वारा वो एक ऐसा लिंक बनाया था जो कि मैथमेटिक्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से जोड़ दिया था, इंटरलिंक कर दिया था। तो उसके लिए 2017 में मिला था फ्रेंच मैथमेटिशियन को एबल अवार्ड। 2018 में भी मार्च में इसको अवार्ड दिया गया है जो कि कनाडियन मैथमेटिक्स है, और उसका नाम है रॉबर्ट पी लैंगलैंड्स।
तो इसको मिला है 2018 के लिए एबेल अवार्ड, और इसको मिला है किस लिए मिला है, इसको रिप्रेजेंटेशन थ्योरी टू नंबर थ्योरी इसको स्टडी करने के लिए मिला है। इसको थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और ये भी पूछा है कि इसको जो मिला है नोबेल पीस प्राइज किस चीज़ के लिए मिला है, क्यों मिला है। तो आपको इस सारी चीज़ों के सारे इन्फॉर्मेशन को आपको माइंड में रखना होगा, और नोबेल के साथ साथ मैंने एबेल प्राइज़ को भी डिस्कस किया, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ज़रूर इन सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।